आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं जो विश्व के इतिहास में अद्भुत है। शायद ऐसा मैंने कभी भी जीवन में ना सुना ना पढ़ा, जो किसी को विश्व के साथ उपाधि मिली हो, ऐसा ना कोई सुना ना पढ़ा जिसने विश्व की सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए अपना सर्वस्व दे दिया हो। ऐसी महान थी हमारी परम श्रद्धे, परम प्रिय, अतुलनीय दादी प्रकाशमणि जी। बचपन से हमने दादी को देखा, दादी का व्यक्तित्व कहें, पर्सनैलिटी कहें, स्वतः ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। वो व्यक्तित्व था जो हर किसी की समस्या का, हर किसी के प्रश्न का जवाब थी। अगर कन्याएं हो, सोच रही हो पढ़ाई पढ़े या ना पढ़े, बाबा का बने ना बने, दादी की प्रेरणा शक्ति, परख शक्ति इतनी महान थी, झट से देखकर कह देती थी कि आप बाबा की सेवा में लग जाओ। और वो प्रेरणा, वो दादी के शब्द उन आत्माओं के लिए शक्ति, उमंग, उत्साह बन जाते। हमारे प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए 1969 में, उसके पश्चात दादी प्रकाश मणि जी और हमारी आदरणीय श्रद्धेय परम प्रिय दीदी मनमोहिनी जी ने यज्ञ की कारोबार संभाली। दादी के साथ अगर हम दीदी को याद न करें तो लगता है कुछ अधूरा ही रह गया। दीदी और दादी की जोड़ी विश्व प्रसिद्ध थी। चाहे दीदी जी बहुत जल्दी अव्यक्त हो गईं, दादी जी ने पूर्ण रूपेण कार्य को संभाला। चंद्रमणि दादी जी उनके साथ मददगार बन गई। लेकिन मैंने देखा कोई बात अगर हम और किसी से पूछ लेते थे। एक बार मैंने चंद्रमणि दादी जी को कहा, दादी जी आप जयपुर आए, ये प्रोग्राम है। दादी जी ने प्रोग्राम सुना, हाँ की, लेकिन मुझे कहा कि आपने बड़ी दादी को बताया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो आपको ही बताया। कहा नहीं, जाओ पहले बड़ी दादी को बताओ, फिर मैं आऊंगी। तो दादियों के मन में भी दादी के लिए इतनी श्रद्धा, इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड था, ये मैंने प्रैक्टिकल में देखा। दादी को हर कोई, जब दादी सेवाओं पर निकली, देश हो विदेश हो, सब कहते थे दादी विश्व की दादी है। एक दो की दादी नहीं, विश्व की दादी है, हर कोई मानता था। क्योंकि दादी मन से इतनी स्वच्छ थी, मन से इतनी हल्की थी, बातचीत करने में, लेन देन में इतना दादी के अंदर स्नेह था, प्यार था। केवल स्नेह प्यार नहीं, लेकिन दादी जब किसी से मिलती तो बहुत ही रिस्पेक्ट से मिलती। दूसरे को लगता दादी बड़ी हैं, दादी महान है, दादी इंस्टीट्यूशन की हेड हैं, लेकिन दादी कभी भी इस भावना से किसी से नहीं मिली। मुझे वो दिन भी याद हैं जब मधुबन में पहले हरिद्वार के महामंडलेश्वरों को बुलाया गया और दादी जी ने जिस तरह से उनका सम्मान किया, सबको हाथ जोड़ जोड़ कर दादी जी ने वेलकम किया, चाहे मंच हो चाहे व्यक्तिगत रूम हो, वो देखने वाला था। उससे बड़े बड़े संत भी पिघल गए कि ये दादी इतनी महान, इतनी योगी,
इतनी तपस्वी, इतनी निर्माण, क्योंकि वर्तमान समय में ये देखा जाता है, दुनिया वालों की बात छोड़िए, जो संत महंत हैं, उनके जीवन में निर्माणता का अभाव रह जाता है। लेकिन हमारी दादी, प्यारी दादी, निर्माणता से संपन्न, निर्माणता से भरपूर, दूसरों को रिस्पेक्ट देने में उदार, दादी के जीवन में कहीं भी कंजूसी नहीं थी। आगे बढ़ाने में भी उदार, अपनत्व देने में भी उदार, तो रिस्पेक्ट करने में भी उदार। चाहे छोटे बच्चे हों, युवा हों, बड़े हों और बूढ़े हों, लेकिन दादी सबको इतना समय देती, इतना अपनत्व देती, जो हर एक के मुख से ये निकलता, मेरी दादी। और फिर दादी जी एक तरह सागर थी, ये भी हमने देखा। कोई भी प्रोग्राम होना है, कोई भी प्रोजेक्ट है, ज्ञान सरोवर बना, ओम शांति भवन बना, दादी ने सबको उमंग से कहा 10-10 पैसा देना है, 8 आना डालना है। लोग कहते थे दादी ने 8 आना का है, हम तो रुपया डालेंगे। ये शक्ति थी दादी में। और दादी जी प्रकृति जीत गजब की थी। मुझे याद है हम शांति वन में थे और टीचर्स बहनों की भट्टी थी, वो भट्टी कराने के निमित्त दादी जी ने मुझे बुलाया हुआ था। वह साल था जब बारिश नहीं हुई राजस्थान में। एक दिन शाम को जब हम 5:30 बजे हॉल में भट्टी के लिए इकट्ठे हुए और दादी जी भी आई, दादी जी ने कहा आज ऐसा योग लगाओ जो बारिश आए। और दादी जी मंच पर बैठकर कहती हैं, क्योंकि हल्के हल्के बादल तो थे उस दिन, दादी जी मंच पे बैठ के कहती हैं, ए प्रकृति आज तो तुझे बरसना ही है। तो मैं तो उस समय हंस दी बच्चों की तरह भोलेपन में, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लगा जब शाम के योग के बाद छमाछम बारिश हुई। तो ऐसी स्वराज्य अधिकारी, इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन करने वाली आत्मा, मुझे लगता है मैंने तो विश्व में कहीं नहीं देखी, जो प्रकृति को भी ऑर्डर करे तुझे करना है और प्रकृति उसको करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी महान आत्माएं जो भविष्य में सत्युगी दुनिया में ये विश्व का पूरा राज्य चलाएंगी, उसकी झलक मैंने अपनी आंखों से दादी जी को प्रैक्टिकल में देखा। फिर कोई गवर्नर हो या मिनिस्टर हो, सब दादी जी के आगे यूं झुकते थे जैसे दादी महान हो। और दादी इतना प्यार से उनसे मिलती, इतनी प्यार से उनकी सेवा करती कि वो कहते थे दादी हमारी दादी है। दादी जी के गुण कितने गाएं, जैसे कहते हैं भगवान की महिमा लिखी ना जाए, मैं तो ये कहूंगी भगवान को तो हो सकता है लोग कह देते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमने दादी प्रकाश मणि को जरूर देखा और ये देखा कि वह ही सचमुच उस भगवान की संतान और मास्टर भगवान थी। ऐसी मीठी प्यारी दादी। दुनिया का एक गाना है, ए माँ तुझे हमने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन तुझ में भगवान जरूर देखा। हमने भी दादी जी भगवान को भी मिले देखा, लेकिन दादी जी हमने आप में भी उस सर्वशक्तिवान को, सर्व गुणों के भंडार को देखा और पाया। ऐसी महान दादी जी को आज के दिन पर हमारा कोटि कोटि प्रणाम, नमन, ओम शांति। दादी प्रकाश मणि।